साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है फिनो पेमेंट बैंक में। साथियों फिनो पेमेंट बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर इसमें काम कर रहे हैं। काम करने के पीछे क्या रीज़न है, क्यों लोग विश्वास कर रहे हैं फिनो पेमेंट बैंक के ऊपर, इसके बारे में मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताएंगे कि जो भी हमारे नए रिटेलर साथी हैं जो अन्य किसी भी कंपनी में काम करते हैं वो लोग फिनो पेमेंट बैंक में ज़रूर जुड़ें। क्या क्या अन्य कंपनियों के अपेक्षा फिनो बैंक में वो बेहतर सुविधाएं हैं, अगर आप इन सुविधाओं को जानेंगे तो यदि आप फिनो पेमेंट बैंक की सिस्टम नहीं चलाते हैं तो जुड़ने के लिए ज़रूर आप इच्छुक होंगे। साथियों जो है देखिए, फिनो पेमेंट बैंक मैं लॉगिन करता हूँ, सबसे पहले देखिए इसका जो है होम पेज। ये फिनो पेमेंट बैंक का जो होम पेज है, इस तरह देखिए फिनो पेमेंट बैंक का होम पेज खुलता है जो कि अन्य कंपनी की अपेक्षा आपको यहाँ पर अलग मिलेगा। यहाँ से आप लॉगिन करके जो है आप अंदर जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आप अपनी आईडी डालते हैं। आईडी डालने के बाद जो है आप इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करते ही लॉगिन पेज पर जाते हैं, लेकिन लॉगिन पेज पर जाने के पहले भी आपको बहुत सारी चीज़ों यहाँ पर देखने को और समझने को मिल जाती हैं। उदाहरण के तौर पर DMT का क्या स्कीम है, APS सेटलमेंट का क्या ऑफ़र है, यहाँ पर जो है आपका कमीशन चार्ट क्या है, DMT ऑफ़र क्या है, कासा अनबोर्डिंग क्या है, सर्वे की व्यवस्था, ये तमाम सारी चीज़ें जो है और जो नए इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन हैं वो सारी चीज़ें आपको जो है बिना आईडी लॉगिन किए फिनो पेमेंट बैंक के बारे में सब कुछ आप जान सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर फिनो पेमेंट बैंक प्रोवाइड कर रही है, दे रही है। तो ये सबसे बड़ी आपको ऑफर है। उदाहरण के तौर पर देखिए, हमने यहाँ पर डैशबोर्ड से देखिए ये एक ऑप्शन देखिए मैंने क्लिक किया था। क्लिक करते ही देखिए पेज खुल करके आया देवंता का कि जिनको भी पैसे की ज़रूरत है और CSP चलाते हैं तो 50,000 रुपये तक का तत्काल ऋण फिनो पेमेंट बैंक के पोर्टल पर अप्लाई करके देवंता से आप ले सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था आपको किसी भी सर्विस प्रोवाइड कंपनी में आपको नहीं मिल रही है अभी जहाँ तक हमें जानकारी है। तो पहला फायदा आपको जो है कि फाइनेंस की सुविधा फिनो पेमेंट बैंक आपको बिजनेस करने के लिए दे रही है। इसके अलावा जो है और सारे भी ऑफर्स आपको यहाँ दे सकते हैं कि आपका APS कमीशन क्या है, मार्च का जो APS कमीशन है। आप जैसे देखिए यहाँ पर क्लिक करते हैं, वैसे ही देखिए आपको APS कमीशन आपको यहाँ देखने के मिल गया हिंदी और इंग्लिश दोनों में कि हम फिनो पेमेंट बैंक में काम कर रहे हैं तो मुझे कमीशन मिल कितना रहा है। कमीशन कम हो या ज़्यादा हो लेकिन इसकी स्पष्टता है। ये चीज़ें कमीशन आपको पोर्टल पर भी मिल जाएगा, जहाँ से आप पोर्टल लॉगिन करते हैं वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा कि कमीशन स्ट्रक्चर हमको इस महीने क्या मिलेगा, हमको कितनी निकासी करेंगे तो कितना कमीशन हमको मिलेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है आपके लिए। इसके अलावा APS सेटलमेंट जो करते हैं यहाँ से भी ऑफर देख सकते हैं, लेकिन पहले आपको हम लॉगिन करके अंदर चलते हैं। देखिए हमने इसको कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करते ही जो है हमको ये लॉगिन पेज पर जाएगा जहाँ से हम अपने पेज को लॉगिन करते हैं। साथियों वीडियो सिर्फ नए यूजर्स जो दूसरे बैंक का काम करते हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनके लिए हैं, जो लोग काम करते हैं उनके लिए तो इन प्रोसेस से गुजरते हैं, इसके बारे में जानते ही हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको ये जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपको ओके करना है। अगर आप डिग्नाई कर देंगे, नो थैंक्स कर देंगे तो आपको दिक्कत होगी, इसे आप ओके कर देंगे। परमिशन आपको यहाँ से अलाउंग रहेगा, लोकेशन आपको यहाँ पर अलाउंग रहेगा। तो लोकेशन अगर अलाउ नहीं करते हैं तो उनका पेज यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। और यहाँ पर देखिए कुकीज जो 14 दिखा रहा है, जब भी संख्या ज़्यादा हो जाती है तो भी साइट चलने में परेशानी करती है फिनो पेमेंट बैंक का, तो इस चीज़ों को भी आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। अब यहाँ से देखिए आप जो है एलेबल कीबोर्ड, अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं है तो आप कंप्यूटर का कीबोर्ड खोल सकते हैं। अनब्लॉक नाउ बायोमेट्रिक व्यू, आपको जो है अनब्लॉक करना है बायोमेट्रिक से उसको कर सकते हैं। टेस्ट बायोमेट्रिक पिन पैड एंड कैमरा का जो है आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपको फिनो पेमेंट बैंक यहाँ पर उपलब्ध करा देता है। जैसे मैंने उदाहरण यहाँ क्लिक किया,
क्लिक करते ही देखिए एक नया पेज खुल जाएगा और यहाँ पर आपको जो है सारे कंपनियों के जो है टेस्ट करने के लिए इसके जो आईडी सर्विस हैं, इसके जो सॉफ्टवेयर हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो सबसे बड़ी खासियत आपको यहाँ ये है कि सारे सॉफ्टवेयर वगैरह भी आपके इसी पोर्टल पर वहीं से आपको उपलब्ध हो जाते हैं, जो भी लोग फिनो पेमेंट बैंक के CSP चलाते हैं उनके लिए। लेकिन हमको जो है फिनो पेमेंट बैंक में लॉगिन करके अंदर जाना है। अब देखिए अपना यहाँ पर हमने पासवर्ड डाला, पासवर्ड डाल करके हमने यहाँ पर सबमिट किया, सबमिट करते ही हमारा पोर्टल खुल जाएगा। अब देखिए हमारा पोर्टल आपके सामने खुल गया। हमारे में जो बैलेंस है MAB बैलेंस है, MAB बैलेंस का कोई मतलब नहीं है, मंथली एवरेज बैलेंस है या आपका एलिजिबल बैलेंस है जिसको आप ट्रांसफ़र करके अपने अकाउंट में ले आते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि सर्च करके जो भी ऑप्शन काम करना हो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कमीशन स्ट्रक्चर देखिए आपके पोर्टल पर भी यहाँ उपलब्ध है, यानी ऐसा नहीं है कि कंपनी आपको कुछ और कर रही है, आपको कुछ और दे रही है, तो आप यहाँ से अगर कुछ मिसमैच होता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। जितना कमीशन कंपनी देने के लिए कर रही है उतना आपको दे रही है नहीं दे रही है, इस चीज़ को आप यहाँ से देखेंगे। साथ में बड़ी चीज़ जो है आपको जो मैंने बताया था फाइनेंस के लिए लोन के लिए, देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है जहाँ से आपका फाइनेंस होगा। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन है बिजनेस लोन, जिनको बिजनेस लोन चाहिए वो लोग यहाँ इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही जो है उनको दो कंपनी का ऑप्शन मिल जाएगा फाइनेंस के लिए। देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करते ही देखिए हमको जो है लोन के लिए एक तो जो है NDP जो है और देवंता, दो कंपनियों का देखिए यहाँ पर ऑप्शंस है। अब देखिए यहाँ पर NDP में सभी लोग अवेलेबल नहीं हैं, इसके लिए देखिए आपको ऑफ़र पर क्लिक करना पड़ेगा। ऑफ़र आपके लिए है तो भी आपको जो है आगे प्रोसेस कर सकते हैं, नो ऑफ़र इसमें कोई ऑफ़र नहीं है। लेकिन फिर ना देखिए होम पर चलते हैं, वहीं अगर हम देवंता को देखते हैं कि देवंता में क्या व्यवस्था है, देखिए हमने यहाँ पर क्लिक किया दोबारा और देवंता पर देखिए मैंने क्लिक किया। क्लिक करने का देखिए आप लॉग इन आउट कर दिया हमने जो है, यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे, जो भी इसका प्रोसेस होगा प्रोसेस को फॉलो करेंगे जिससे आपका जो है बिजनेस लोन यहाँ से प्रोसेस हो जाएगा। हमको लोन की आवश्यकता नहीं है, हमको लोन नहीं चाहिए तो मैं उन्हें वहाँ से कैंसिल कर दिया। इसके अलावा पोर्टल में देखिए आप जैसे ही माउस को आप अपने जो है बाएं तरफ ले जाएंगे सिस्टम के दाएं तरफ, वैसे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको खुल करके यहाँ पर मिल जाएंगे जो सर्विसेज आपको अवेलेबल हैं मिलेंगी। तो बहुत ही स्पष्ट और बेहतर पोर्टल है फिनो पेमेंट बैंक का। जिनको भी फिनो पेमेंट बैंक की आईडी लेनी है उनको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पर दिए गए नंबरों में से ही आईडी बनवाएं। किसी भी कारण से कमेंट बॉक्स में दिए गए नंबर से अगर आप आईडी बनवाते हैं, आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी हमारी या हमारे चैनल की नहीं होगी। तो साथियों इस समय फिनो पेमेंट बैंक की आईडी 600 रुपये मात्र बनाई जा रही है, वो भी पेमेंट आपको किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं करना है, ना किसी के खाते में भेजना है। आपकी आईडी पहले क्रिएट हो जाएगी यानी KYC हो जाएगी, KYC कंप्लीट होने के बाद आपका जो ACC नंबर यानी अकाउंट नंबर मिलेगा उसी अकाउंट नंबर में आपको 600 रुपये डाल करके अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बता देना है। लेकिन कई जगहों पर अभी 1500 रुपये का भी प्लान चल रहा है, तो अलग अलग स्टेट में दो तरह के रेट हैं, कहीं 600 है कहीं 1500 है। तो इसको आपको पहले स्पष्ट करना पड़ेगा कि आईडी 1500 की बनेगी या 600 की बनेगी। उसके बाद उसी अकाउंट में आप 1500 या 600 रुपया बताए गए डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से आप डाल देंगे। डालने के बाद 24 से 48 घंटे में आपको पासवर्ड मिल जाएगा और सारी सर्विस आपकी एक्टिव हो जाएंगी। लेकिन अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, उसके लिए कासा लिख करके आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपको मैसेज करना होता है। उसके बाद जो है 10 से 12 दिन में अकाउंट ओपनिंग का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो जो भी हमारे नए यूजर्स हैं फिनो पेमेंट बैंक से जुड़ना चाहते हैं, अगर वो लोग इस वीडियो को देखे हैं, वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करेंगे और अपने मित्रों में भी शेयर करेंगे जिससे जो भी फिनो पेमेंट बैंक लेना चाहते हैं उनको जानकारी मिल जाए कि हमको पेमेंट किसी को कैश या उसके अकाउंट में न दे करके आप अपने अकाउंट में ही डालें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो, अगर पहले सब्सक्राइब किए हुए हैं
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।